आज पूरे टाइम बैठोगे बीच में भाग जाओगे? पूरे टाइम। कितने लोग पूरे टाइम बैठेंगे? पूरे टाइम बैठ जाओ। क्योंकि आज की पिक्चर देखने वाली है। साढ़े तीन साल पहले मैं भी आपकी तरह बैठा था। कोई आ रहा था स्टेज से, अभी आपको वो बड़ी बड़ी बातें सुनी नहीं है। अभी केवल 7% से लेकर के सीनियर डायरेक्टर तक का सम्मान हुआ। कितने लोग 7% पे? हम भी थे भाई कभी। ये जर्नी यही से स्टार्ट होती है। अभी कितने लोग 10% पे? हम भी थे। कितने लोग 13 पे? हम भी थे। कितने लोग 16 पे? हम भी थे। कितने लोग 19 पे? हम भी थे। कितने लोग डायरेक्टर बने? हम भी बने थे यार। लेकिन आंखें डायरेक्टर बनी थी, आंखें की यहां पे सीट चाहिए आगे की और स्टेज चाहिए। कितने लोगों को स्टेज चाहिए? मुझे हमेशा स्टेज चाहिए था। स्टेज पीछे बैठता था, इसको बोलते थे पीछे बैठ जा। तो गलती से पता लव मैरिज करके लाया था तो हमेशा हेकड़ी बाज थी। बिठा जा तो आगे ले जाके बिठाओ, पीछे क्या बैठूं? तो स्पीड बढ़ती है ना, बढ़ाओगे स्पीड? Yes. बढ़ाओगे स्पीड? Yes. आगे की सीट मिल जाएगी। थैंक यू सिंपुर, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। पहचान बता दू नए लोगों के लिए, पुराने लोग जानते हैं। 5 मिनट। मेरा नाम वीरेंद्र है, सीकर राजस्थान से हूं। आप भी राजस्थान से, लेकिन इसलिए कहता हूं कि राजस्थान से हूं लेकिन मोदी के लिए अमानत पूरे हिंदुस्तान की हूं। जब आया था इतना ही सोचता था, लेकिन आज बड़ा सोचना सिखा दिया मोदी केयर ने। सो थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू सबमिशन, थैंक यू ऑल अप्लाइड एंड थैंक यू ऑल लीडर्स। शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया शुक्रिया। जिसका नाम वीरेंद्र कुमार टेलर, सीकर से पढ़ाई लिखाई 8वीं क्लास पास, सिलाई करता था। सिलाई है कोई सिलाई करने वाला है? हाँ, अरे वाह, थैंक यू आपको मेरे परिवार के मेरे एक रुपए के लिए शुक्रिया। हाँ, और सिलाई करने वाला सपना नहीं देखता क्या? देखता ही देखता, चाहे सिलाई कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, सपने तो देखते हो। मैं भी सपना देखता था, मैं भी सोचता था कि मैं भी मशीन चलाते चलाते कभी सिलाई से कार चलाऊंगा। और हाँ, चला भी लेता मैं कार, क्योंकि मैं जब भी किसी काम को करता हूं शिद्दत से करता हूं। लेकिन एक पनौती मेरी जिंदगी में रही नहीं, आज आपको बता रहा हूं। क्या गारंटी है, क्या सिक्योरिटी है आपकी? क्या कुछ करने के लिए सेफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? दोस्तों, एक साल का था, पापा नहीं थे। और एक साल का जब था, पापा नहीं थे, तो मैंने दुनिया के ताने सुने। ताने लोग कहते थे खराब होएगा, रोड पे फिरेगा, कुछ नहीं कर सकता। हमारा क्या गुनाह था यार? अगर पापा फरार हो गए, मेरा गुनाह था क्या? मेरा गुनाह था? मेरा गुनाह नहीं था साहब। अमिताभ बच्चन के हाथ पे जैसे लिख दिया कि तेरा बाप चोर है, उसी तरह से समाज ने लिख दिया मेरे माथे पे कि इसका बाप भाग गया, ये कुछ नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप समय से पहले या तो भगवान को प्यारे हो जाते हैं या फिर घर में नहीं होते। उन बच्चों को तो लाश की झेलनी पड़ती है, वो झेली है हमने। 5 साल की उम्र में जब मैं समझदार हुआ, लोग कहते थे ये खराब हो गए, ये पिरेंगे, ये पिरेंगे। उस समय भगवान से कहते ना, भगवान एक दिन ऐसा बनाना कि मैं रहू ना रहू इस पूरी दुनिया से मैं काम आ सकू, ऐसा मैं सोचता था। और ऐसा मैं सोचता था, सोचता था। और दोस्तों, सोचते सोचते जिंदगी कटने लगी।
जब पढ़ाई करने की बारी आई तो अपने क्लास का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था, अपने क्लास का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन एक समस्या थी। मैं मामा के पास रहता था और मेरे मामा अक्सर, मैं बताता हूँ सब लोगों को, मेरे मामा हिटलर से कम नहीं थे, पक्के फौजी थे, बहुत मारते थे, बहुत मारते थे, बहुत मारते थे। और जब मामा मारते थे एक बात समझ आती थी कि वीरो छोड़ साला जिंदगी को, और 13 साल की उम्र में घर छोड़ के भाग गया था। 13 साल की उम्र में घर छोड़ के भागा, पहली बार बॉम्बे गया, न रहने को घर था, न खाने को दाना था, रेलवे स्टेशन पे सोया था, रेलवे स्टेशन पे भी सोया था। लेकिन एक सच्ची हकीकत आपको बता दूं, जब मैं रातों को भटकता था तब भी सपने देखता था, क्योंकि हर आदमी से सुना था कि दुनिया में हर भटकने वाला आदमी एक न एक दिन दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल करता है। और जब जब लोग मुझे जाने दे देते, अंदर से आग लगती थी कि कुछ करके दिखाना है, कुछ करके। 40 साल बीतने जिंदगी में कुछ नहीं किया, सिलाई की अच्छी, बीवी बच्चे सब कुछ अच्छे, सिलाई में भी अच्छा किया, लेकिन आज के 3.5 साल पहले मेरी जिंदगी में ऐसा टाइम आया। ये मोदी के नाम की अपॉर्चुनिटी हर किसी की लाइफ में आती रह जा, लेकिन हर किसी को एकदम से समझ में नहीं आती। 3.5 साल पहले दौर ऐसा आया जब बच्चे तरसते थे खाने को, 1250 रुपए दूध चुकाने का घर में उस समय पैसा नहीं होता था। और उस समय शुक्रिया भगवान का, शुक्रिया मेरे अंकल का, एक अनजान शख्स मेरी जिंदगी में आया और उन्होंने मुझे बताया किसके लिए, मोदी केयर, किसके लिए बताया, मोदी केयर। 3.5 साल पहले एक अनजान शख्स ने मुझे मोदी केयर के बारे में बताया। दोस्तों, रात को 12:30 बजे आज जितने लोगों को मोदी केयर बताया गया समझ में आ गया क्या, पहले दिन में आ गया क्या, आ गया क्या, नो। मुझे भी पहली बार समझ में नहीं आया। रात को 12:30 बजे कॉल आया था कि दोस्त एक बिजनेस है, देख लो, समझ लो, समझ लोगे और कर लोगे तो सपने पूरे कर सकते हो, और सपने थे जिंदगी में। 3.5 साल पहले सीकर से चल के जयपुर गया और जो जादू देखा, कितने लोगों ने जादू देखा मोदी केयर का, सपने देखा है, सपने देखा है, डिब्बे को बंद करो भाई, सपने जादू देखा है। मैंने उस जादू को देखा, मुझे जादू समझ में आया, और फिर एक चेहरा दिखाया, ये चेहरा, ये चेहरा, इनके बारे में बताया, ये महीने का 70 लाख कमाती है, महीने का आपको समझ में आता है 70 लाख? मुझे तो नहीं आता भाई, 70 लाख छोड़ो, या 70,000 में लोगों की पूरी राम किसरी, और ये कितना कमाती है इनके बारे में बताइए, 70 लाख कमाती है, ये करीब 10-12 लाख कमाते हैं, ये करीब 1-1.5 लाख कमाते हैं, 3.5 साल में, और ये लड़की छोटी सी आखी करता, उस समय सुनता 62,000 रुपए महीने का कमाती है। कितने लोगों को विश्वास होता है जैसे पैसे आता होगा, विश्वास होता है आपको, अपने को तो नहीं होता भाई, अपने को तो। अच्छा, कौन कौन है हमारे बीच में जिनको विश्वास में कभी ऐसा आता नहीं है, हमारे बीच में कोई जिनको लगता है पैसा नहीं रहता है? Raise your hands. भाई ये आप लोग सारे लोग इंजीनियर हो और जीनियस हो, आपको विश्वास रहता होगा, मुझे विश्वास नहीं रहता। 3.5 साल पहले स्टेज के पीछे बैठा था उस समय, और वहां बैठा था, एक बात बोला था कि अगर ये 70 लाख कमाती है तो जमाना ऑनलाइन का है ऑफलाइन का नहीं है, और ऑनलाइन में सब कुछ दिखता है। दोस्तों, 3.5 साल पहले 19 मई 2016 मैंने पूरे सेमिनार को 3 घंटे देखा, और देखने के बाद जिनका चेक 70 लाख का बनाया था, मैंने जाके उनका हाथ पकड़ा, छुआ, मैंने कहा एक बार मुझे जन्म दिया है, एक बार धंधे में आपके लिए हो सकती हूँ, क्योंकि मैं आपको देख के आ सकता हूँ।
इनका चेक मैंने मोबाइल पे अपने मोबाइल पे ओपन करके देखा दोस्तों, इनका चेक था 62,56,753 रुपया। बस्ती है खाली जोर जोर से, जिसको लगता है मेरा भी आएगा तो बचा सकता है खाली 62,56,753। और उससे इस आठवीं जात पास आदमी को ये मोदी के समझ में आया, आज आपके सामने खड़ा हूं। स्टेज से निकल के आप भी जाओगे, अपने परिवार को बताओगे, अपने दोस्तों को बताओगे, और सबसे पहले हमने भी जाने अपनी वाइफ को बताया सर कि शिबू मोदी के से 70 लाख रुपए महीने का एक औरत कमाती है। और आपको बताऊं शुक्रिया इसका, इसके खोपड़े में कभी भी वायरस नहीं आया, इसके खोपड़े में कभी भी वायरस नहीं आया। अगर ये करने से 70 लाख आता है तो एक कदम आप बढ़ाओ और एक कदम मैं बढ़ाती हूं। मिलकर मोदी के करते हैं, मिलकर मोदी के करते हैं दोस्तों। मोदी के स्टार्ट कर दिया लेकिन क्या होता है, सारे लोग मान जाते हैं, मान जाते हैं। मेरी माँ इसको बोलती थी तू भी पड़ गई मरीलिया का चक्कर में, और तो हो रही हो बावड़ो और तू भी होगी बावड़ी बावड़ी। क्या मेरी माँ ये गलत कहती थी? नो, मेरी माँ गलत नहीं थी, क्योंकि हर माँ को अपने बच्चे के लिए डर लगता है कि मेरा बच्चा कोई गलत रास्ता नहीं पकड़ ले, इसलिए माँ मना करती थी। माँ को हमने डेमो दिखाया, माँ को हमने खूब समझाया, माँ ने कहा कि भैया सिलाई करता है अच्छे पैसे कमाता है, क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं। हमने कहा कि माँ ये बहुत अच्छा बिजनेस है, ये बहुत अच्छा बिजनेस है, माँ इसे करके दिखाएंगे, बहुत बड़ा करेंगे। और दोस्तों आपको बताऊं, जैसे जैसे माँ को मनाए भी, लेकिन सुबह हम माँ को मनाते थे और दिन में कई सारी आ जाती थी पास पड़ोस से, और आंखों माँ को बोलती थी भाई थोड़ा छोड़ो तो पागल हो बोला गए और तो गलत अंदा में पड़ गो लागे है। और फिर कई कई लोग पता क्या बोलते थे, टोपी बाज, कौन से बोलते थे, कौन से बाज, टोपी बाज, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। और दोस्तों आज आपके सामने खड़ा हूं, पहला चेक आया था मोदी के से 105 रुपए का, कितने का, कितने का आया था 105 है, हमने किसी का आया 150 का चेक, अपना भी 105 का ही आया था, 105 का चेक आया। और उसके बाद में जब हमने मिलकर थोड़े से लोगों को बताया तो चेक हुआ 2247 रुपए का। और 2247 का जब चेक आया ना तो बहुत सारे लोग कहते थे ओ बड़ा गो भाई हो करोड़पति, उनकी आओगी काटी, ये भी रोकती थी कि तनु बाबा लोग मजाक उड़ा रहे क्या होगा, बाबा जरा रानी को चिंता ना करे, ए लोग ये मजाक उड़ाओगा एक दिन तुम मेरे साथ चले तन में घाटी में घुमाऊंगा। तो जिन लोगों ने बड़े काम किए उनका सबसे पहले मजाक उड़ाए, और जिस जिस पे जगह चले जाएंगे और चले जाए। आपके सामने खड़ी है मिसाल, 3 दिन इसलिए मुझे दादा आगे दे रहे, दादे ना हम भूल गए साहब
जेल में पैसा था नहीं और इसने जेल से माली वास्तव में नहीं था। घर पे जब आते थे हमें रोटी बना के खिलाती थी, तीन दिन इसने रोटी तक नहीं खाई होगी और हम तो छोड़ के चले गए वो ठंडी रोटी से खाई होगी। तीन दिन कुछ नहीं बताया और लास्ट में पता चला कि ये तो वो देवी है जो मुझे बना बनाने के लिए खुद को कुर्बान करने चली थी। कितने का दिखा देता? 2 लाख।
मोदी के कर लो, 2 लाख रुपए महीने कमाएंगे। ये भी सोचते थे सर 2 लाख आए तो आपको भी डाउट होता था ना, डाउट होता था ना, डाउट होता था, डाउट होता था मेरे दोस्त, क्योंकि सारे की जिसके फाटे बने वो किसी को जब सपना दिखाता है तो उसकी बातों में विश्वास नहीं होता। कितनी भी फटी बनी हो लेकिन जब भी इनके सामने जाते थे सीने में यही आभार होते थे कि तुम साथ रहो, हम करवा के दिखाएंगे। सारी दुनिया मजाक उड़ाती थी, इसी तरह से लोगों को साथ देते थे और बोलते थे दोस्तों 2 लाख का महीना आप।